बाला ठाकरे का कांग्रेस पर दिवाली बॉम्ब, अंधेरे से की कांग्रेस की तुलना, लिखित बयान में की अपील, कहा महाराष्ट्र और केंद्र से उखाड़ फेंको कांग्रेस की सरकार को। बाला ठाकरे का कांग्रेस पर सीधा हमला, बयान में लिखा मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान की हालत खराब, कहा कांग्रेस नाम के कैंसर से पीड़ित है देश। ठाकरे ने गृहमंत्री शिंदे पर भी साधा निशाना, कहा पाकिस्तान लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा है लेकिन गृहमंत्री को लगता है क्रिकेट खेलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। केजरीवाल ने महाराष्ट्र के सांगली में किसान की मौत पर जताया अफसोस, पुलिस फायरिंग की जमकर की निंदा, ट्वीट में लिखा हक मांग रहे किसानों पर चलाई गई गोलियां। किसान की मौत के लिए केजरीवाल ने चव्हाण सरकार को बताया जिम्मेदार, लिखा ज्यादातर मिले एनसीपी और कांग्रेस वालों की, इसलिए मिल मालिकों का सरकार दे रही है साथ। महाराष्ट्र में गन्ने की कीमत बढ़ाने को लेकर हिंसक हुआ आंदोलन, सांगली और कोल्हापुर में पुलिस और किसानों में बवाल। सांगली में पुलिस फायरिंग में एक किसान की मौत, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़, कोल्हापुर रोड पर लगाया जाम। कोल्हापुर में पुलिस से किसानों की हिंसक झड़प, 16 पुलिसकर्मी घायल, 100 से ज्यादा आंदोलनकारी रास्ते में। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बीती शाम आईडी ब्लास्ट, एक की मौत, एक शख्स घायल। गुजरात के अमरेली में बाल बाल बचे बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया, उनकी कार को ट्रक मारी टक्कर। गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, हफ्ते भर में देना होगा जवाब। मोदी के पोस्ट से विवाद पर गुजरात सरकार के प्रवक्ता की सफाई, जयनारायण व्यास बोले कर लिया है सुधार। गुजरात के पार्टी दफ्तर में पोस्टर पर मोदी को दी गई गडकरी से ज्यादातर जी, चुनाव से एन पहले हुआ बदलाव। आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य के दावे को गडकरी ने कहा बेबुनियाद, संघ और बीजेपी ने भी बयान से किया किनारा। संघ बीजेपी में मचे झगड़े पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा संघ के हाथ में ही है बीजेपी का रिमोट कंट्रोल। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को भारत लाने की कोशिश तेज, वित्त मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को लिखी चुटकी। एथलीट प्रिंकी प्रमाणिक पर चलेगा बलात्कार का मुकदमा, मेडिकल जांच में पुरुष होने की बात। राखी सावंत ने दिग्विजय सिंह पर ठोका 50 करोड़ का मानहानि का केस, केजरीवाल से तुलना किए जाने से हैं खफा। राखी ने मुंबई के गोरेगांव थाने में दर्ज कराई शिकायत, आज पुलिस कमिश्नर से करेंगे मुलाकात, महिला आयोग से भी करेंगे शिकायत। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में नहीं दिखी टेलीकॉम कंपनियों की दिलचस्पी, पहले दिन सिर्फ 9200 करोड़ की लगी बोली। दिल्ली पुलिस ने किया 500 करोड़ के घोटाले का खुलासा, स्टॉक गुरु के नाम से कंपनी चलाने वाली पति पत्नी गिरफ्तार। महाराष्ट्र की रत्नागिरी से धरेगी उल्हास और रक्षा की जोड़ी, 7 महीने में रकम दोगुना करने का देते थे झांसा। दिल्ली के विकासपुरी में चोरों ने एटीएम पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरा तोड़कर लाखों की चोरी। इनमें पंचायत का तालिबानी फरमान, स्कूली लड़के लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी। पंचायत के फैसले का गांव वालों ने किया समर्थन, कहा मोबाइल से बिगड़ रहे बच्चे। गुजरात के वलसाड में पटाखा बाजार में लगी आग, करीब 100 दुकानें जलकर खाक। हादसे में किसी घायल होने की खबर नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वडोदरा के पटाखा बाजार में लगी आग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 10 नवंबर को लगी थी आग। दिवाली के पहले पकड़ी गई मिलावटी मावे की बड़ी खेप, गाजियाबाद में 50 कुन की मावा जब्त। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, मिठाइयों में केमिकल मिलाने का शक। देश भर में दिवाली की धूम, शहर शहर दमकी दिवाली की जगमग, हर तरफ बिखरे रंग बिरंगी रोशनी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोगों को दी दिवाली की बधाई, लोगों से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील।
रंगीन रोशनी से नहाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दिवाली के मौके पर भव्य सजावट। जयपुर में 5 दिनों का दिवाली महोत्सव, विदेशी पर्यटकों का लगा जमावड़ा। गुजरात का सूरत शहर भी रोशनी से हुआ जगमग, बाजार घर और इमारतों में सजावट। बॉक्स ऑफिस पर दिवाली का डबल धमाका, जब तक है जान और सनम सरदार हुई रिलीज। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म है जब तक है जान, शाहरुख और कैटरीना की मुख्य भूमिका। सनम सरदार अजय देवगन की होम प्रोडक्शन, दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर। दोनों बड़े बजट की फिल्में रिलीज से पहले अजय और शाहरुख ने जमकर किया प्रमोशन। रिलीज से पहले मुंबई में हुआ जब तक है जान का शानदार प्रीमियर, शाम नामचीन सितारों का लगा मेला। पुर्तगाल में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल की का विरोध, लोगों ने की जमकर नारेबाजी। पोलैंड में राइट विंग कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इटली के नेपल्स में छात्रों और बेरोजगारों की पुलिस से झड़प, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीरिया में ताजा हिंसा में 16 लोगों की मारे जाने की खबर, तुर्की सीमा से सटे इलाके में हवाई हमला। डोपिंग के कारण बदनामी झेल रहे मशहूर साइक्लिस्ट लांस आर्मस्ट्रांग का लिवस्ट्रांग के बोर्ड मेंबर से पद से इस्तीफा।